देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए पोलिंग, हर विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। 3 राउंड ऑफ सिक्योरिटी है, सीआरपीएफ, जैप, डीएपी। कल सुबह 7 बजे से शुरू। दो सवाल है, इसमें लगातार लोग बज रहे हैं, जो टोकन सिस्टम, तो पब्लिक को आखिर करना क्या होगा कि वो डायरेक्ट उस क्यों कुछ इस्तेमाल करें? अभी तक जितने भी जगह वोट मतदान हुआ है, लगातार लोग उलझ रहे हैं, वहाँ मतदान प्रतिशत तो कम हो रहा है, ये लोग आकर वहाँ से लौट जा रहे हैं टोकन सिस्टम वाले, तो वो एग्जैक्ट क्या? देखिए, मतदान सिस्टम कर्मी तो उतने ही रहते हैं हमेशा, P+P1, P2, P3, 4 ही मतदान कर्मी होते हैं, तो 4 मतदान कर्मी रहेंगे। टोकन सिस्टम इसलिए नहीं है कि लोगों को असुविधा हो, बल्कि इसलिए लोगों को असुविधा ना हो। हम लोग इसीलिए वहां पे बैंक डेस्क वगैरह भी लगवा रहे हैं। ये बात सही है, कई जगह लोग क्यू में नहीं लगना चाहते, कतार में लगना चाहते हैं, टोकन नहीं लेना चाहते, तो ये उनका अधिकार है। तो कहां से मिलेगा और उनको क्या करना होगा? टोकन तो देखिये, वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम लोगों ने 50-50 टोकन दिए हैं, महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। नहीं, बूथ ऐप के संबंध में एसडीओ साहब बताएंगे, लेकिन वो यूजर आईडी पासवर्ड जो मांगता है वो आपके लिए नहीं है। 5 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जो रांची जिला का चुनाव होना है, जिसमें रांची, हटिया, खिजड़ी, कांके शामिल हैं, और इसमें सिल्ली खिजड़ी का चुनाव 3 बजे तक है, जो ऑफिशियल टाइमिंग है। रांची, हटिया और कांके में 5 बजे तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसमें जितने भी अर्धसैनिक बल हैं और जिला बल हैं, होमगार्ड हैं, उसके अतिरिक्त हमारे जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो सेक्टर स्तर के हों, जोनल हों, सुपर जोनल हों, उनको विभिन्न क्षेत्रों में एक सिक्योरिटी प्लान के तहत प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि चुनाव शांतिपूर्वक और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराया जा सके। सर, बूथ हैं और 3,46,000 से ऊपर मतदाता हैं। महिला बूथों की संख्या, जहां पर सिर्फ वुमेन पोलिंग पर्सनल रहेंगी, उसकी संख्या हमारे विधानसभा में 2 है, बूथ नंबर 15 और 16 एटीआई में। इसके अलावा मॉडल बूथ्स की संख्या हमारे यहां 13 है। रांची विधानसभा में एक पीडब्ल्यूडी मैंड बूथ भी है, जिसमें सारी पोलिंग पार्टी दिव्यांग जन रहेंगे, बूथ नंबर 13 जो रेड क्रॉस में। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।